हेलो दोस्तों, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम बात करेंगे रेडिको खैतान लिमिटेड के बारे में। पहले इसका फंडामेंटल चेक करेंगे, उसके बाद इसका टेक्निकली चार्ट कैसा है वो देखेंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेंगे कि इसमें अभी हम लोगों को फ्रेश एंट्री करना चाहिए कि नहीं चाहिए। आगे बढ़ने से पहले इसका नेचर ऑफ बिजनेस हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका जो मेन बिजनेस है वो है आपका लिकर मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये सीधे भाषा में बोले तो विदेशी दारू इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है। जैसे मान लीजिए रम हो गया, जिम हो गया, हुस्की हो गया, बैंडी हो गया, प्रीमियम क्वालिटी का बैंडी। 2019 में इसको, इस कंपनी को अच्छा रम बनाने, सॉरी अच्छा जिम बनाने के लिए अवार्ड भी मिला है ऑल ओवर एशिया में। तो समझ ही पा रहे हैं कि ये कितना बड़ा कंपनी है। और ये कंपनी 1943 से बिजनेस कर रहा है, मतलब बहुत पुराना कंपनी। तो ब्रांड वैल्यू इसको बताने की जरूरत नहीं है। और जो लीकर इसका मेन बिजनेस है, तो देखिए दारू का डिमांड क्या है, अगर आप लोग आजू बाजू में देखेंगे तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि दारू का डिमांड क्या है। दारू का डिमांड कभी घटेगा नहीं, ये समझ में, अब समझ लीजिए कि दारू का डिमांड कभी भी घटेगा नहीं। तो आगे ज्यादा बात नहीं करके सीधे अगर आ जाते फंडामेंटल इसका चेक कर लेंगे। देखिए, ये शेयर पिछले दिन फ्राइडे को क्लोज हुआ है आपका 924.85 में, ठीक है। और ये हाई गया था, देखिए उस दिन 958 पे, आपका लो गया था 906 पे। 52 वीक्स इसका हाई है 945, मतलब लगभग 52 वीक्स हाई के जो रेट है लगभग वही रेट पर चल रहा है, आपका 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे। और इसका 52 वीक्स लो है आपका 384। ओके, मार्केट कैपिटल देखिए इसका 12,362 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, बहुत ही बढ़िया है देखिए, ठीक है। और इसका पी रेशियो देखिए 43.18। आपको वापस लग रहा होगा कि पीई रेशियो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बार हम लोग इसका सेक्टर का पीई रेशियो देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पीई रेशियो ठीक है कि नहीं है। ये देखिए इसका सेक्टर का पीई रेशियो 114, मतलब उस हिसाब से 43 अच्छा ही पीई रेशियो, ओवरवैल्यूड नहीं है, ठीक है। अभी फिर से हम लोग इसका डेट एक बार देख लीजिए, डेट इसका कितना है, 400 करोड़ डेट है। और प्रोमोटर्स का होल्डिंग देख लीजिए, प्रोमोटर्स का होल्डिंग ये 40.29%। ओके, अर्निंग पर शेयर है आपका 21.42, सेल्स को देखिए 15.74, आरओई है 16.05, आरओसी है आपका 17.05 एंड प्रॉफिट ग्रोथ है आपका 20.97। तो लगभग सभी सही दिख रहा है। अभी थोड़ा सा इसका हम लोग आपका क्या बोलते हैं इसको प्रोमोटर्स होल्डिंग में कुछ शेयर प्लेस है कि नहीं है वो देख लेंगे। अभी देखिए प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है 40.29, इसमें से कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, ये बहुत एक बढ़िया चीज है। और देखिए डेप्थ इक्विटी जो रेशियो है 0.16 है, अगर एक से ज्यादा होता है तो हम लोग बुरा मानते हैं, लेकिन ये तो एक से कम ही है तो अच्छा ही है, ज्यादा डेप्थ नहीं है। और कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट देखिए 1.30 है, अगर मिनिमम 1 होता है तो अच्छा होता है, जितना ये ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है, उस हिसाब से एक से ज्यादा है तो अच्छा ही है कैश सीएफओ रेशियो। ओके, अभी देखिए इसका 2020 का जो नेट सेल्स था आपका 2,427 करोड़, अभी थोड़ा सा इस साल गिरा है आपका 2,418 करोड़, लेकिन नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो पिछले साल से 227 करोड़, अभी वो बढ़ के हो गया 270 करोड़, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा है। अभी रिजर्व थोड़ा सा देख लीजिए, पिछले साल था 1,493 करोड़, अभी वो बढ़ के हो चुका है 1,737 करोड़, मतलब ये अच्छा ही है। और बोरोइंग देखिए आपका पिछले साल से अभी घटा ही है, पिछले साल था 1.53 करोड़, तो बोरोइंग जितना कम होगा उतना अच्छा है, अभी हो चुका है 0.27 करोड़, एक अच्छा साइन है। ओके, अभी देखिए इसका जो करंट लाइबिलिटी है 819 करोड़, और करंट एसेट है 1624 करोड़, मतलब करंट लाइबिलिटी से करंट एसेट लगभग डबल है, तो बहुत ही बढ़िया है। फंडामेंटली अगर ये चीज होता है तो बहुत अच्छा होता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक बार देख लीजिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपका था 2020 में 59.69 करोड़, अभी ये बढ़ के हुआ है 377 करोड़, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो फंडामेंटली जितना भी चीज देखा अभी तक का सभी मुझे अच्छा ही देखा, बुरा ऐसा कुछ नहीं देखा। और एक चीज देखिए 2021 का इसका आपका डिविडेंड का एक डेट है, मतलब 19 तारीख आज है, कितना है आज 18-19 नहीं होगा नहीं, मतलब अभी खरीदने से आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन डिविडेंड का अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है, 2.4 पार्ट से है। ओके,
सुपर इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल साहब ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है लेकिन जीरो करोड़ दिखा रहा है। मतलब क्या, 1 करोड़ से नीचे शायद इन्वेस्ट किया इसलिए जीरो करोड़ दिखा रहा है, लेकिन सुपर इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल साहब ने भी इसमें इस शेयर में इन्वेस्ट करके रखे हैं। अभी ज्यादा टाइम नहीं लगे, सीधे हम लोग चले जाएंगे इसका टेक्निकल चार्ट में, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेंगे। अभी देखिए आप लोगों के स्क्रीन पे जो चार्ट है ये इसका 1 डे का चार्ट है, बिना इंडिकेटर लगा हुआ। बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में क्या होता है, हम लोगों को क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि ट्रेंड कैसा है। देखिए ये पूरा एक दिखा रहा है अप ट्रेंड, ऊपर गया फिर थोड़ा सा नीचे आया। देखिए एक बार तो कोई शेयर बढ़ता नहीं है, थोड़ा सा गिरता है फिर ज्यादा ऊपर जाता है, तो पूरा आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि अभी अप ट्रेंड है। तो अभी थोड़ा सा क्या करेंगे, वीकली चार्ट भी देख लेंगे। ये अभी ये देखिए आपके सामने वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में भी देखिए ये आपका पूरा अप ट्रेंड शो हो रहा है। ओके अभी देखिए मंथली चार्ट में देखिए आप लोगों को अप ट्रेंड दिख रहा है। पिछले महीने थोड़ा सा शायद प्रॉफिट बुकिंग हुआ था इसीलिए थोड़ा सा गिरा था, फिर अभी पिछले महीने का जो हाई है उसको क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत साल पहले शायद 2006 में, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन इतना गिरा था, मतलब एक साइड स्प्लिट हुआ था और बोनस हुआ था, बोनस की वजह से इतना गिरा था। उस टाइम इसका रेट था आपका 150 के करीब रेट था, तो 2006 का ये बात है, 150 के करीब रेट था, तब से ये देखिए बढ़ रहा है, अभी वही रेट पे चला आया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर कोई भी शेयर स्प्लिट होता है, बोनस होता है, बोनस मिलता है आप लोगों को शेयर, तो उस शेयर का फायदा आप लोगों को लेना चाहिए। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सीधे इंडिकेटर वाला चार्ट में चले जाएंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन। तो अभी आप लोगों के सामने जो चार्ट है इसमें थोड़ा दो तीन इंडिकेटर लगा हुआ है। पहले जो चार्ट दिखा है उससे आपको क्लियर पिक्चर मिल गया है कि डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में एंड मंथली चार्ट में अप ट्रेंड है। अभी देखिए ये आपके सामने अभी डेली चार्ट है, इसमें देखिए सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे बाई बोला है और प्राइस अभी 100 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। RSI भी अबव 60 है और ये आपका MACD 0 पॉइंट पे लगभग ट्रेड कर रहा है, तो ये मेरे हिसाब से बाई सिग्नल है। आप लोगों के हिसाब से बाई सिग्नल होगा क्योंकि उसको सुपर टेन भी बाई बोल रहा है, MACD भी बाई बोल रहा है, RSI भी बाई बोल रहा है। अभी थोड़ा सा क्या करेंगे, इसका आपका वीकली चार्ट देख लेंगे। वीकली चार्ट में देखिए यहाँ पे सुपर टेन ने बाई बोला है, ठीक है, और प्राइस अप ट्रेंड में है, आपका RSI भी अबव 60 है, मूविंग एवरेज भी अबव, मतलब बाई बोल रहा है, ऊपर ही है जीरो से, और आपका प्राइस अभी 100 डेज 200 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही है। और अभी थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट भी देख लेंगे। मंथली चार्ट में देखिए यहाँ पे मंथली चार्ट में बाई सिग्नल आया, उससे ये आने के बाद हर महीने लगभग ऐसे बढ़ा है। ठीक है, 2-3 महीने क्या हुआ था, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है, लेकिन फिर से बढ़ा। देखिए पिछले महीने प्रॉफिट बुकिंग की वजह से करेक्शन थोड़ा सा आया है, लेकिन फिर से शेयर बढ़ने लगा। तो मेरे हिसाब से अगर अभी करंट प्राइस में भी आप ये शेयर खरीदेंगे तो आपको आप लोगों का पहला टारगेट होगा 1125 का, और एक बार 1125 भी अगर क्रॉस कर जाए और इसको ऊपर सस्टेन कर जाए तो आगे जाके आप लोगों को 1250 और 1300 भी मिल सकता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में क्लिक भी कर लीजिए ताकि मैं आगे जितना भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए, और एक लाइक भी कर दीजिए क्योंकि आप लोगों का लाइक मुझे क्या देता है, एनर्जी देता है आगे जाके और भी ज्यादा वीडियो अपलोड करने के लिए। धन्यवाद।